हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कोई ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स है ना वो आपको रेशियो में दे रखी है और उस ट्राइंगल का पेरीमीटर भी दे रखा है, तो उसका एरिया निकालना है। आप एरिया तभी निकाल पाएंगे जब हमें साइड्स की लेंथ जो है ना प्रॉपर पता होगी। यहाँ लेंथ पता नहीं है, लेकिन उनके बीच का जो रेशियो है ना वो हमको पता है। तो लेंथ पता करने के लिए इस रेशियो को, इनको हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो साइड्स है ना वो 12x, 17x एंड 25x है। मान लीजिए यही ट्राइंगल है और ये इसकी जो साइड है, इसे मैं 12x मान लूँगा, ये 17x हो जाएगी और ये 25x हो जाएगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा जब भी क्वेश्चन आपका रेशियो में आएगा ना, तो उन्हें x लगाकर आप लेट कर लेंगे। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 12x। अब ये सेंटीमीटर में है तो आप यहां सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, 17x सेंटीमीटर एंड 25x सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स मैंने लेट कर ली हैं और इन तीनों का जो सम है, जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, वो हमें दे रखा है। अब क्योंकि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है 540, अब पेरीमीटर इनका सम होता है, तो इक्वेशन बन जाएगी, इनके सम को हम यहां लेफ्ट साइड में ले लेंगे, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। इधर इधर जब सम करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 54x और यहाँ पर 540, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 540। x के पास जो ये मल्टीप्लाई में 54 है, ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई है 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई है, यहाँ पे इनके साथ सबके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर करके इनकी एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगी। तो देयर फोर साइड्स आर, साइड्स हो जाएंगी 12x है पहली वाली, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 120 सेंटीमीटर। दूसरी वाली 17x है, यानी 17 × 10 170 सेंटीमीटर। 25x थर्ड साइड है, तो 25 × 10 250 सेंटीमीटर। बस अब साइड्स पता चल गई, इन्हें ए बी सी मान के हीरोज फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्हें मैं ए बी सी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, इसे ए ले लिया मैंने, इसे मैंने बी ले लिया, इसे मैंने सी ले लिया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस जो होता है ये होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, एस यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि पेरीमीटर आपको डायरेक्ट ही दे रखा है बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ए बी सी अपॉन टू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पी अपॉन टू लिख दे, क्योंकि पेरीमीटर आपको डायरेक्ट 540 दे रखा है, इसका हाफ करके यहाँ से एस निकल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 270। उस वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर अब, तो एस की जगह मुझे लेना है 270, यहाँ ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी 270 में से फर्स्ट साइड माइनस करनी है जो कि है 120। यहाँ एस माइनस बी, यानी 270 में से माइनस करना है 170। एस माइनस सी, 270 में से माइनस करना है 250। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएंगी 270 एज इट इज रहेगा, यहां ब्रैकेट के अंदर इसका जब इनका सब्ट्रैक्शन किया तो ये 150 आ गया, यहां किया तो ये 100 आ गया, यहां पे किया तो ये 20 आ गया। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं इनके प्राइम फैक्टर्स करूंगा। अब प्राइम फैक्टर इस सवाल में आप ध्यान रखना,
कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे फाइव जीरोज़ हैं। तो फाइव जीरोज़ में क्या है कि दो जीरो यानी कि 2 बार 10 तो पेयर बन जाता है, फिर दो जीरो यानी कि 2 बार 10 तो पेयर बन जाता है। तो आप चार नंबर्स को तो 10 में तोड़ना और एक नंबर को आप पूरा प्राइम फैक्टर कर देना। मैं करके दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, 270, 270 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे ना, तो सिर्फ 27 को देखिए, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये 27 हो गया। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करके आपका 270 हो जाता है। तो इसको, इसका जो 10 है ना, वो मैंने छेड़ा नहीं है, 10 को नहीं तोड़ा है मैंने। इसी तरह से 150, इसके भी 10 को मैं नहीं छेड़ूंगा। 15 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 5 ज़ार 15, और 10 लगा दूंगा मैं। ऐसे 100, 100 के प्राइम फैक्टर्स वैसे तो 2 2 5 5 वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ इसको मैं 10 में ही तोड़ूंगा, 10 इंटू 10। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 4 10 निकाल लिए हैं, मेरा 20 के अंदर भी 10 आ रहा है, 2 10 ज़ार 20। लेकिन इस 20 के मैं पूरे प्राइम फैक्टर्स करूँगा, क्योंकि एक जो जीरो बच जाएगा ना लास्ट में, यानी कि जो 10, वो तो किसी काम का नहीं है, तो उसके प्राइम फैक्टर आप ज़रूर कर लें। 2 से करूँगा तो 10 आएगा, 2 से करूँगा तो 5 आएगा, 5 से करूँगा तो 1 आएगा। यहाँ इस 20 के मैं पूरे प्राइम फैक्टर्स करूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये मैंने क्यों किया है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा लास्ट में। क्योंकि हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो दो एक जैसी चीज़ों का पेयर होता है, जो उसमें से एक चीज़ बाहर निकालते हैं। अब यहाँ सबसे छोटा जो नंबर है ना, वो 2 है, ये 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, अब कोई 2 नहीं है। अब 3 पे ध्यान दे, ये जो 2 3 हैं इनमें से एक बाहर आ गया, ऐसे ही ये 3 और ये 3 2 हो गए, इनमें से एक बाहर आ गया। 3 से बड़ा यहां मुझे 5 दिख रहा है, एक यहां है एक यहां है, तो 2 हो गए, इनमें से एक 5 बाहर आ गया। अब 10 दिख रहा है, अब 10 एक ये है एक ये है, तो 2 हो गए, इन 2 में से एक 10 बाहर आ गया। यहां पे ये 2 10 है, इनमें से एक बाहर आ गया। बस अब जो एक 10 इसके अंदर था, जो यहां था ना पांचवा, उसको मैंने यहां तोड़ लिया था। अगर वो 10 यहां पे आप रखते, यहाँ पे 2 10 ज़ार रखते 20, तो ना तो आपके 2 के पूरे प्राइम फैक्टर्स बनते, पेयर बनते, ना 5 के बनते, और 10 भी आपका पूरा नहीं सॉल्व होता। इसलिए मैंने यहाँ देखा कि मुझे 5 बार 10 दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से मैं 4 को अलग कर लूँगा और एक को मैं पूरा का पूरा तोड़ लूँगा प्राइम फैक्टर्स में। अब इनका प्रोडक्ट करते ही आपका आंसर, तो 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 5 ज़ार 90, 90 और ये हो गया 100, तो ये 90 हो गया, 10 10 ज़ार 100 यानी कि ये 9000। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन खत्म। तो स्टूडेंट बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।